तो गाइस पहले हम लोग इस वीडियो में बात कर लेते हैं पुनीत सुपरस्टार के बारे में। आप लोगों को पता होगा पुनीत सुपरस्टार को बिग बॉस ने बाहर निकाल दिया था, लेकिन पुनीत सुपरस्टार को बाहर निकाल देने का असली रीजन क्या था, क्या उसके बारे में आप लोगों को पता है? ट्रिगेडिनसन फुकुराइनसन के साथ एक वीडियो अपलोड किया जहाँ पर फुकुराइनसन उसके बारे में बात किया। तो पुनीत सुपरस्टार को बाहर निकाल देने का असली रीजन क्या था आप लोग खुद सुन लीजिए। ये अभी इंट्रो वीडियो में तो पुनीत का तो इतना ही रोल होगा ना, क्योंकि पुनीत तो बस इंट्रो वीडियो तक ही था, फिर एक दिन बाद वो चला गया था। इंट्रो वीडियो में एक्चुअली मैंने ये बोला था कि पुनीत को जो इन्होंने निकाला ये बहुत अजीब सी बात है, क्योंकि बहुत लोग आते हैं जो ऐसी हरकतें करते हैं, निकालते नहीं है। मुझे क्या लगता है उसने क्या कर रखा होगा? रिवील करने वाला है आज, मैं रिवील करने वाला हूँ कि पुनीत को क्यों निकाला। ये चीज तो भाई कहीं पे भी किसी ने नहीं सुनी होगी। पुनीत सुपरस्टार को एक्चुअली जितना हमें दिखाया निकाला इसलिए गया क्योंकि एक तो वो बहुत ज्यादा लाइक चिल्लाए जा रहा था, एंड दूसरा कोई वो टॉयलेट वाला सीन हुआ था, पॉटी वाला टॉयलेट वाला सीन हुआ था मेन, जहाँ पर बिग बॉस ने पुनीत को निकाला। तो वो हुआ क्या था एग्जैक्टली नहीं बताया। सुपरस्टार ने क्या करा, इंग्लिश जो सीट लगी हुई थी वहां पर उस पे हिंदी पोजीशन में पॉटी करने बैठ गया और पूरा पूरा सीट टॉयलेट सीट कमोड पे ऐसे पिकासो वाली पेंटिंग आए आए ऊपर नीचे दाएं बाएं पोटी गिर रखी। और जब अंदर वो घुसा अविनाश तो उसने देखा ये टट्टी किसने की है, हमने कहा पुनीत, इसलिए तो वो सारा कलेश हुआ था। और फिर पूजा जी ने एकदम से उठ के बोल दिया कि आई फील अनसेफ विद हिम। और भाई पूजा जी ने अगर बोल दिया है फिर तो खत्म। अरे यार पूजा जी बिग बॉस से ऊपर थी, क्या बात कर रहा है तू? बिग बॉस पूजा जी की सुनता था, पूजा जी चाहती है बिग बॉस आज ये करे। पूजा जी ने तो ट्रॉफी मैनिपुलेट करना, इंग्लिश टॉयलेट पे हिंदी में बैठा हुआ था भाई। पुनीत नेक्स्ट लेवल बंदा है। मैंने अपने आप को भी देखा, मैं जब भी पुनीत कुछ सामान उठाता मैं करते करते क्रेजी। अच्छा फुकरे इंसान और ट्रिगर्ड इंसान का बात चल रहा है तो मैं बता दूं, फुकरे इंसान जब दिल्ली आए और ट्रिगर्ड इंसान को देखे तब वो ट्रिगर्ड इंसान को देख के थोड़ा सा इमोशनल हो गया था। तो रिसेंट ब्लॉग में से उबला पार्ट आप लोग भी देखिए। ये ट्रॉफी तेरी है। हाँ थैंक यू भाई। ये लड़का स्टार है, रो रहा है तू? इमोशनल हो गया भाई हमारा आज। इमोशनल हो गया भाई। देखो यार मतलब सारे आधा हो गया, सही बता रहा हूँ। हमें एक साथ हो गया, इतना सेलिब्रिटी फोर्स आज तक नहीं देखा था। पर एक एक को यहाँ तक सांस आ गई थी। ये खेल तो नहीं ले जाना। अब बात कर लेते हैं एलविस यादव के बारे में। एलविस यादव कल उनके इंस्टाग्राम पे लाइव आए थे और तब एलविस यादव MC Stan का भी लाइव रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिसके ऊपर एलविस यादव का रिएक्शन कुछ ये था। ठीक है भाई, आज रिकॉर्ड तोड़ना है मैक्सिमम लाइव वॉचिंग का। 1,70,000, 3,00,000, 3,17,000, 4,00,000 और रुक जा 5,00,000 होने वाला। अच्छा कुछ नहीं बोलना, तब ज्यादा बढ़ते हैं। इशारा करते रहो आन दो बहुत करीब है। आन दो सिस्टम आन दो। 5:41 टूट गया 5:65 भाई क्लैपिंग भाई आप सभी लोगों के लिए। अभी से 1,000,000 करते हैं भाई, से 1,000,000 तो मुश्किल है। चलो मुझे पता नहीं 6,00,000 तक तो जाएगा, बट मुझे जो भी लग रहा है। बट मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ, मेरे को बहुत सारी बातें करनी है आप सभी लोगों से। भाई क्या कहें गाइस, अभी आप लोगों ने देखा, पता लग गया होगा कि जैसे मेरा लाइव क्रैश हुआ कि फोन में मेरे क्या चल रहा होगा, मतलब कितना ट्रैफिक है जो फोन के अंदर ऑलरेडी है और मेरा फोन लोड नहीं ले पा रहा, मेरा इंस्टाग्राम लोड नहीं ले पा रहा, इसलिए मेरा लाइव क्रैश हो गया। बट गुड न्यूज इज हमने इंडिया का रिकॉर्ड तोड़ दिया और हम नंबर 1 पे आ गए हैं मैक्सिमम लाइव वॉचिंग की। हमारा कितना था, 595,000, 600,000 के हम लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। ऑल थैंक्स टू यू, आप लोग ना होते तो ना ये रिकॉर्ड टूटता, ना तुम्हारा भाई होता कुछ भी। धन्यवाद सभी लोगों का। कल मिलते हैं 20 तारीख को ताऊ देवीलाल स्टेडियम शाम 5 बजे गुरुग्राम। और प्लीज प्रोटोकॉल वर्ल्ड 10 तो बताओ। हाँ भाई, वर्ल्ड में 10वें नंबर पे आ गए हम। 10
तो गाइस क्या एल्विस यादव बिग बॉस जीतने के लिए पेड पीआर की है? एल्विस यादव बहुत सारे लोगों के साथ ट्विटर स्पेस पे लाइव आए थे और तब उन लोगों ने पेड पीआर के बारे में बात की है, तो उस ट्विटर स्पेस में से एक छोटा सा पार्ट आप लोग भी देखिए। मैं बस एक मिनट लूंगा। जिस भाई के लिए मैंने अपना एक महीना दिया, जो मेरे उसमें था, सब कुछ दिया, उस भाई को अगर भरोसा है, उस भाई को अगर मेरे पे ट्रस्ट है, दैट्स इट। मुझे किसी से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन मेरे बारे में क्या सोचता है, क्या नहीं सोचता है। बस एक भाई, एल्विस भाई, आप ही, बस इतना ही बोलूंगा और कुछ नहीं। करप भाई सामने है, आप तो अंदर थे, बस एक चीज बोल दो कि क्या करप भाई रैंडम सेना ने एक चरणी भी आप लोगों से लिया? नहीं भाई, रैंडम भाई, भाई ने भाईचारे में सारा सपोर्ट किया है। जिनको लग रहा है ना कि हमने भाई से पेड पीआर या फिर पेड रख के करवाया है, ये सारा भाईचारे में काम है, यही है हमारा भाईचारा, ठीक है। ट्रॉफी भाईचारे की वजह से आई, ये पैसों के बलबूते पे नहीं आई। बिल्कुल, देखो मैं काफी चीजें क्लियर करना चाहता हूँ। जिन लोगों को ये लग रहा हो कि भाई अल्विश ने बहुत पैसे फूके हैं, तो मैं बहुत कंजूस आदमी हूँ, मैं इन चीजों पर पैसा फूकता ही नहीं, ठीक है। एक डाउट तो ये क्लियर करो। दूसरी चीजें काफी उठ के आई थी कि नेगेटिव पीआर ये वाली वो सारी चीजें। देखो हम उन लोगों में से नहीं है जो दूसरे को नीचा गिरा के खुद ऊपर उठें, हम उनमें से भाई अपने ऊपर ध्यान दो कि हम खुद कैसे आगे बढ़ सकते हैं, रेदर देन कि दूसरे को नीचे गिराएं। और उसमें भी देखो पैसा लगता तो फिर पैसे की बात आ गई, मैं फिर कंजूस हूँ, ठीक है, उसमें भी मैं पैसा नहीं लगाता। अब बात कर लेते हैं जासूस किंग के बारे में। तो जासूस किंग कुछ यूट्यूबर के ऊपर बिल्कुल खुश नहीं है। जासूस किंग क्यों खुश नहीं है, आप लोग खुद उनसे ही सुन लीजिए। जिस यूट्यूबर ने अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को सपोर्ट किया, भाई उनके लिए दिल से रिस्पेक्ट है। बस मेरे को एक चीज से दिक्कत है, अगर आप लोग यूट्यूब कम्युनिटी को सपोर्ट कर रहे हो तो दोनों तरफ से सपोर्ट करो ना यार, एक तरफ से सपोर्ट क्यों कर रहे हो? और ऐसा भी नहीं है कि कुछ यूट्यूबर की मतलब अभिषेक भाई को ना जानते हो, ठीक है। हुआ ऐसा कि जो भी यूट्यूबर थे, जो भाई घर पे आके व्लॉग पेल के गए हैं, जिनको हमने काफी वीडियोस में लिया है, भाई 10-10 लाख रुपए तक भी दिए हैं, वो बंदों ने एक बार भी अभिषेक भाई को सपोर्ट नहीं किया कि भाई ऐसा हो कि सपोर्ट कर दिया हो या कोई स्टोरी डाल दियो। मतलब ये कैसा कम्युनिटी को सपोर्ट है यार। तो गाइस ऐसे ही इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।